नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चाणक्य कोचिंग क्लास से बहराइच में। काफी लोग डिमांड कर रहे थे कि हम एमकॉम के प्रीवियस ईयर के पेपर जो है अपलोड कर दें, तो उसी क्रम में आज हम एमकॉम फाइनल ईयर में जो डॉक्टर राम मनोहर यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर में 2015 का पेपर है, ये अकाउंटिंग फॉर मैनेजर डिसीजन, ठीक है, ये मैनेजमेंट अकाउंट आपका बीकॉम फाइनल ईयर में भी हमारे यहाँ पेपर है, उसी से मिलता जुलता बिल्कुल पेपर है। ये 100 नंबर का पेपर है, 2015 का है, ठीक है। तीन पार्ट में डिवाइड होगा, ये तीन पार्ट में पेपर डिवाइड होगा, जो कि पहला ए और बी और सी। ए में दो दो नंबर के क्वेश्चन होंगे, बी में दस दस नंबर के क्वेश्चन होंगे और सी में 15 15 नंबर के होंगे। इसमें 10 क्वेश्चन होंगे और इसमें 5 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन में एक आवर लगा के होगा, इसमें होंगे 5 क्वेश्चन लेकिन कुल 2 घंटे होंगे। इस तरीके से जो हमारा ये है 20 जो है नंबर का, और बी सेक्शन 50 नंबर का, और ये 30 नंबर का, और इस तरीके से 100 नंबर का हमारा पेपर बन के तैयार होगा, ठीक है। तो चलिए पेपर देखते हैं, पेपर में क्या है तो आप देखेंगे कि व्हाट इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, व्हाट इज कॉस्ट वेरियंस एनालिसिस, व्हाट इज मटेरियल वेरियंस, एक्सप्लेन द मैनेजर यूजेस ऑफ फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, व्हाट इज पीवी रेशियो, व्हाट इज बीईपी रेशियो, डिफाइन जीरो बेसिस बजटिंग, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाई परफॉर्मेंस बजटिंग। अब ये आपके इसके बाद हिंदी में वही क्वेश्चन दिए गए हैं, सेक्शन ए के, ये 50 वर्ड में लिखने होते हैं। मान के चलिए आपको एक औसतन आधा पेज एक पेज आपको लिखना है। सेक्शन बी में हर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आर लगा के दिया होता है, उनमें से कोई एक क्वेश्चन करना होता है, जैसे आपके सामने लिखा, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉर डिसीजन मेकिंग, व्हाट इज द रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन ऑर्गेनाइजेशन। तो अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है अथवा में लगा के इन दोनों में से कोई एक करेंगे आप, ठीक है। हिंदी में वही क्वेश्चन दिए हैं, और जब 3 नंबर क्वेश्चन है तो इसमें भी वही 2 क्वेश्चन है, थ्योरी के दोनों हैं, इनमें से कोई आपको एक क्वेश्चन करना है। 4 नंबर में भी थ्योरी है, ठीक है तो न्यूमेरिकल पेपर लेकिन थ्योरी बेस्ड ज्यादा पूछ रहे हैं इस बार, पूरा 2015 में थ्योरी ज्यादा पूछ ली गई है, ठीक। तो 5 नंबर क्वेश्चन में भी आपका थ्योरी है, बस्टी कंट्रोल से रिलेटेड है, फिर 6 नंबर भी थ्योरी दी गई है, यानी सेक्शन बी में न्यूमेरिकल नहीं पूछा। जब सेक्शन सी में जाएंगे तो कुल 2 क्वेश्चन करने होंगे, ये आपके सामने जो है ये है, तो क्वेश्चन इसमें जो है यहाँ पे 15 15 नंबर के 2 करने होंगे, लेकिन होंगे 5 क्वेश्चन, 5 में से कोई 2 करने होंगे, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन आपका है, अब ये देखिए ये न्यूमेरिकल है, यहाँ पे रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड है, ये रेशियो एनालिसिस का है और आपके सामने रेशियो एनालिसिस कैलकुलेट करना है, इसको ध्यान से देख लीजिए। और 8 नंबर भी न्यूमेरिकल है, ठीक है, 8 नंबर भी न्यूमेरिकल दिया गया, आप देख लीजिए इसको। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है इससे, और इसके बाद ये हिंदी में वही दिया है, 8 नंबर का ही है, ये हिंदी में है और हिंदी में दिया है। 9 नंबर देखिए, ये भी न्यूमेरिकल है, आपके सामने न्यूमेरिकल दिया है, पूरा क्वेश्चन था कैलकुलेट वेरियंस, लेबर कॉस्ट वेरियंस, लेबर एफिशिएंसी वेरियंस, लेबर रेट वेरियंस, आइडियल टाइम वेरियंस निकालना था, और वही क्वेश्चन जो है हिंदी में दिया है 9 नंबर भी। अब 9 नंबर ये हिंदी में, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 ये भी देखिए न्यूमेरिकल है, 10 नंबर भी न्यूमेरिकल है, ध्यान देना। 10 के बाद आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन, अब ये देखिए ये भी न्यूमेरिकल है, नहीं अगर आप पूरी तरीके से थ्योरी पर गए हैं तो आपका कोई पेपर नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए जो है 15 15 नंबर के 2 तुमको करने ही करने हैं, यानी 30 नंबर का तुम्हें करना है, और सेक्शन सी में पूरे न्यूमेरिकल दिए हैं, अब पूरे यानी 30 नंबर आपको न्यूमेरिकल का करना है। अब अगर ये पेपर आपको डाउनलोड करना है तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, वहां से जाएं, हमारे जो है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से आप जुड़े रहें, जिससे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम वहां से प्रोवाइड कराएंगे एग्जाम टाइम तक, और प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।